घर आ रहा है? यस सर। यस सर। हम जा रहे हैं। ये आ रहा है? नो सर। ये? यस सर। बस आइए देखो हम पढ़ेंगे क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ ना सर, हो गया। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देखना, पास्ट परफेक्ट। अभी हम सबको इस सिंपल वे में देख रहे हैं, फिर हम कंपेयर पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को, ठीक है ना। रहने देना, उड़ने देना, वो भी अपना होली मना रहे हैं। कहाँ से गेट को बंद कर देना, गेट पूरा बंद है, उतरी में आ जाते, थोड़ा सा खुला है। चले आने देना, खिड़की से आ रहे हैं। हाँ खिड़की से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे, आने देना, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोगों को जब आप रोकेंगे तो वो जबरदस्ती आएंगे, नहीं रोकेंगे तो नहीं आएंगे, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ऐसी है। क्लियर हुआ? तो देखिए पास्ट परफेक्ट हमें पढ़ लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा है, उसका कंपैरेटिव हमने नहीं पढ़ा है, उसमें तुलना करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट मतलब पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की तुलना यहां पे करनी होगी, और पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट उसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की तुलना करनी होगी। उसे हम तुलना अलग से देखेंगे, ठीक है ना, कंपेयर अलग से करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हम इसकी आइडेंटिटी जानेंगे। आइडेंटिटी जो पास्ट इंडेफिनिट की होती है जनरली वही होती है, एक आइडेंटिटी चेंज होती है, देखिए। लेकिन इस उससे भी पहले हेल्पिंग वर्ब देखें, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है, क्या आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। हाँ दोनों के लिए, पास्ट में सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के लिए है। प्रत्येक पास्ट के टेंस में यही सबसे अच्छी बात होती है इसमें, कि पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सब में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, या केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाजी अवर आता है, बाकी सब में एक ही हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड है, पास्ट परफेक्ट में आपका हैड है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन है। समझ पा रहे हैड बीन बाद बताएंगे इसी के बाद। देखिए तो पास्ट परफेक्ट में हैड है, इतना समझ में आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पहचान देखो, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसकी क्या होगी, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ई आदि शब्द आते। देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक चीज ध्यान से देखो कि वहां पे ता था, ती थी, ते थे, आथा, ई थी, ए थे, आ, ई, ए, ये आती थी। उसमें से एक आइडेंटिटी यहाँ पे हमें मिल रही है, जो है आ था, ई थी, ए थे, ये मिल रहा है ना। पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। क्लियर हुआ? और ये सिचुएशन हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें कंपेयर नहीं करना, यहाँ डायरेक्ट पढ़ना है, ठीक है ना। जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुआ? समझ पा रहे हैं?
चलिए अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो आपका हैड है इसके थ्रू अगर हम तीनों का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे इसका एग्जाम्पल आप ध्यान से देखें, आप एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं हिंदी का सेंटेंस, जैसे वे सब घर जा चुके थे, वे आ चुके थे, वे सब पढ़ चुके थे, ठीक है ना, उन्होंने होली खेल लिया था, आ था खेल लिया था, या वे होली खेल चुके थे, आया समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। आइए हम इस पे सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या, इससे पहले स्टेप कर देखेंगे, इसे मिटाएं, लिखिए आप सब, यस सर। देखिए यहां पे अब जैसे मैं लिखूं पॉजिटिव टेस्ट स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव, देखो ब्रिटेन के लोग क्यों आगे हैं बच्चों पता है, क्योंकि वहां पे लिबरलिज्म थॉट एक्सपेंड करती है और हमारे यहाँ लोग ऐसा बहुत कम, ठीक है, वहां पास्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, बीते हुए समय को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, और यहाँ पे देते हैं कि पहले मैं राजा था, आज मेरी स्थिति खराब हो गई है, तो मेरे को हल्के में मत ले, ऐसा है, पहले था भाई आज तो नहीं है, ठीक है ना, वहां प्रेजेंट और फ्यूचर इन दोनों चीजों को देखते हैं, हमारे यहाँ पास्ट को ज्यादा देखते हैं, ठीक है ना, तो अपने पास्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, पास्ट से सीखना चाहिए वो दूसरी बात है, प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रख के सारे कार्यों को करना चाहिए। आई पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा है, ठीक है, फिर इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, समझ आया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ऑब्जेक्ट और अदर, सिंपल, आ गया समझ नहीं है, नेगेटिव देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हैड प्लस नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस और प्लस आगे समझ में, यहां पे कोई प्रॉब्लम किसी को भी, इंटरोगेटिव यहां पे क्या आएगा, इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं बताइए जरा, एस आर और वाई इतना समझ में, ये दोनों स्ट्रक्चर आप लिखिए, इसे समझ पाए कि नहीं, नहीं समझ पाया, समझ लाया, पढ़ते हो घर पर कि नहीं, ठीक है पढ़ना है, यहाँ पर बस मैं मुर्गा नहीं बनाता हूँ बच्चों, ठीक है ना, बोर्ड पे लिखा हुआ है केवल मेहनती बच्चे आए, मेहनती बच्चे आते हैं तो सीख जाते हैं, ठीक है, इसलिए मेहनत करना है, जो मेहनत नहीं करता उसे मैं बहुत ज्यादा डांटता नहीं हूं, क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपनी एक खासियत होती है, हो सकता है वो कुछ और बनना चाहता हो, कोई बच्चा अच्छा सिंगर बनना चाहता है तो टेंस पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा टेंस, वो अपना सारे गामा पा
करता रहेगा। किसी को खिलाड़ी बनना है तो क्यों टेंस में परेशान होगा, वो तो अपना उसका दिमाग तो लगा है बैट बॉल हॉकी, ऐसा है कि नहीं। किसी को हीरो बनना है तो अपना आते जाते अपना सीटी बजाना सीखेगा, फिर मान लीजिए किसको कैसे इम्प्रेस करना है इम्प्रेस करना सीखेगा, फिर कुत्ता ही बैठा है कुत्ते को ही आंख मारना सीखेगा, देख मैं सही से आंख मार पा रहा हूँ, फिर कुत्ता उसको आंख मारेगा, फिर बोलेगा अच्छा ठीक है अब मैं फिल्म में सेट करूंगा। बाल अपना बड़ा करेगा, काला करेगा, हरा करेगा, पीला करेगा, नीला करेगा, फिर मोहल्ले वाले बोलेंगे यार अब तू लग रहा है मेरे को गोविंदा, फिर बोलेंगे अब मैं चलता हूँ मुंबई। अब जिसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई थिंकर बनना है तो वो सारी चीजों को सोच के पढ़ेगा। हाई दिस इज हैपनिंग लाइक दिस, क्लियर मैम। अब मेरे को पढ़ाना है तो मैं पढ़ता भी हूँ आपको पढ़ाता भी हूँ। मान लीजिए मेरे को ऐसे ही फिल्म बनाना हुआ डायरेक्टर बनना हुआ तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा इतना बैठ के स्टोरी सोचता हूँ, ठीक है। इसीलिए हर बच्चे के अंदर एक अलग खासियत होती है, किसी बच्चे को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो बच्चा क्या सोच रहा है क्या बनना चाहता है उसके पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन भारत में पेरेंट ध्यान देते हैं, पेरेंट भी भीड़ की तरफ चलते हैं। गांव में एक इंजीनियर वो निकला तो हर बच्चा भी पेट में ही है उसका नाम इंजीनियर रख देंगे, तू बनेगा इंजीनियर, अब वो पेट से ही दबाव में आ जाता है। घर से लेकर मम्मी से लेकर दादी से लेकर रिश्तेदार तक तू इंजीनियर बनेगा इंजीनियर बनेगा इंजीनियर बनेगा, बेचारा सही से सो भी नहीं पाता, सपने में भी लोग बोलते हैं तू इंजीनियर बनेगा। इसीलिए आज बहुत सारे इंजीनियर ऐसे इंजीनियर हो गए उन्हें साइकिल का पंचर बनाना नहीं आता, तो कोई कंपनी रखेगी उन्हें नहीं रखेगी। तो आज के बहुत सारे इंजीनियरों का वही हाल है जैसे डॉग स्ट्रीट डॉग का हाल जो स्ट्रीट डॉग समझते हैं, विदाउट स्किल डॉग इज कॉल्ड स्ट्रीट डॉग, जिस डॉग के पास कोई स्किल नहीं होती उसे स्ट्रीट डॉग कहते हैं, जिस इंजीनियर के पास कोई स्किल नहीं होती उसे स्ट्रीट इंजीनियर कहते हैं, जिस टीचर के पास कोई स्किल नहीं होती है टीचर की उसे स्ट्रीट टीचर कहते हैं, गली का अध्यापक किसे बोलते हैं, रोड छाप अध्यापक, ठीक। इसीलिए जिस डॉक्टर के पास उसे स्ट्रीट डॉक्टर कहते हैं, कुछ नहीं आता अपना रोड पे बैठ गए हैं लेके आला आला, लेकिन बैंक में अपना जहां देखो ताला ही लगाते रहते हैं। आया मेरे कहने का मतलब, जिसमें मन लगे वो काम करना चाहिए, मन ना लगे तो फिर परेशान नहीं होना चाहिए, घर वालों को बताना देखो मेरा इसमें मन नहीं लग रहा, मैं खेलना चाहता हूँ मैं गाना चाहता हूँ। आइए यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है बच्चों, ये बात आपको कोई बताएगा एस आर नो टाइप, और ये क्या है वाई टाइप, समझ में आया ठीक है ना। आई एस आर नो टाइप है इसका आप ध्यान से देखना, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है क्या, हेड है, तो ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर शुरू किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब हेड से, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये समझ में आया। फिर इसके बाद क्या आता है सब्जेक्ट, समझ लेना है क्या आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा फिर आएगा नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब की प्लस प्लस और इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन, आ गया समझ में नहीं आया यहां तक कोई प्रॉब्लम, गुड। अब देखिए ध्यान से व्हाई टाइप और एसआर नो टाइप में क्या अंतर होता है, व्हाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि व्हाई टाइप में जो प्रश्न होता है वो बीच में होता है तो उसका ट्रांसलेशन करना पड़ता है, जैसे वह क्यों जा चुका था, ऐसे ही वह क्यों पढ़ चुका था, वह क्यों होली खेल चुका था, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो यहां पे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस नॉट है तो नॉट प्लस
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये समझ में आया? यस सर। सब लिख लिए? यस सर। आगे बताया जाए, बताएं इसे। यस सर। हम देखेंगे अब सेंटेंस किसका, पास्ट परफेक्ट का। देखिए, वे घर जा चुके थे, ठीक है ना, वे घर जा चुके थे, वे घर नहीं जा चुके थे। क्या वे घर जा चुके थे? फिर क्या वे घर नहीं जा चुके थे? समझ में। इसके बाद देखना है वे क्यों घर नहीं जा चुके थे। तो वे घर क्यों, एक मिनट लिखिएगा, यहां पे रुकना एक मिनट, आप सर ये नहीं हटा देना, लिखिएगा वे क्यों घर जा चुके थे, ठीक है। फिर सेकंड लिखिएगा लास्ट, मतलब सिक्स एंड लास्ट, वे घर क्यों नहीं जा चुके, ठीक है ना। वे घर जा चुके थे, वे घर नहीं जा चुके थे, क्या वे घर जा चुके थे, क्या वे घर नहीं जा चुके थे, वे क्यों घर जा चुके थे, वे घर क्यों नहीं जा चुके। इसमें सभी टाइप आ गए आपके, पॉजिटिव, नेगेटिव, एस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव, फिर एस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर वाई टाइप का इंट्रोगेटिव, फिर वाई टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करना है, आप सब ध्यान से देखें, लिख लिए हैं दुनिया में सबसे आसान कोई सब्जेक्ट है तो इंग्लिश, क्या है इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट है। संस्कृत पढ़ोगे तो उसमें प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, पता नहीं कौन कौन सा पुरुष आता है। इसमें कम से कम पुरुष महिला का कोई रोल है नहीं, इसमें सिंगुलर है, प्लूरल, काम खत्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, समझ आया। उसमें सिंगुलर प्लूरल नहीं है, केवल एक वचन, दो वचन, फिर बहुवचन, ठीक है ना, उसे दो वचन कहते हैं। ऐसे आगे समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, आइए देखें सेंटेंस। क्या वे घर जा चुके हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे क्या क्या होगा, दे तो क्या लिखेंगे, दे
हेल्पिंग वर्ब क्या है? है। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना। तो दे हैड गॉन। फिर कहाँ? घर। अगर इनका अपना घर है तो होम लगाओ, नहीं तो हाउस लगाओ। हाउस लगाओगे पहले टू है, तो दे हैड गॉन होम। सिंपल है कि नहीं? यस सर। एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ समझना है, वे घर नहीं जा चुके थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट क्या है आपका? दे। फिर हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव है तो नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? यहाँ पे ध्यान से देखना, जा चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये क्या है? आइडेंटिटी, या आ था, ये थी, ये थे। ये क्या है? आइडेंटिटी। और किसकी आइडेंटिटी है? पास्ट परफेक्ट की। समझ पाए आप? यस सर। तो दे हैड नॉट गॉन होम। आया? यस सर। नहीं। इसके बाद देखो, क्या वे घर जा चुके थे? ये कौन सा टाइप है? वाई टाइप। वाई टाइप में सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? है। तो है सब्जेक्ट दे, नॉट है तो नॉट, नॉट इसमें है नहीं, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। हैड दे गॉन, इसके बाद ऑब्जेक्ट होम, क्वेश्चन मार्क। हैड दे गॉन होम। ना है तो पूछना है, ध्यान रखिएगा, शर्माना नहीं है। पढ़ने में क्या क्या किया जाता है? बच्चों को बेशर्म बनना पड़ता है, शर्म नहीं करना पड़ता। शर्म करने के लिए अलग स्थान है। क्या वे घर नहीं जा चुके थे? तो है दे, क्या आएगा? नॉट गॉन होम, क्वेश्चन मार्क। इतना लिख लिए? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बताना है। लिख पा रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहित। गुड नाम, अच्छा है मोहित। तो अपने अंदर ऐसी क्वालिटी रखो, सबको क्या कर लो? मोहित। मोह, मोह का मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्ट। लड़कियों का नाम भी होता है मोहिनी। मोहिनी का मतलब आप मोहिनी से बच नहीं सकते। मोहिनी ने अगर चाय लिया तो इसीलिए वो सब नाम होता है, मतलब क्वालिटी कह सकते हैं। मिठाई? यस सर। कुछ लोग तो अपनी गाय का नाम रख देते हैं मोहिनी। गाय माँ होती है। गाय क्या है बच्चों? माँ। और सड़क पे माँ चल रही है, बेटे को मार भी देती है। बैल क्या होता है? बाप। अब आजकल सड़क पे बहुत सारे बाप घूमते रहते हैं, दौड़ा दौड़ा के बच्चों को मारते हैं। फिर समझ में आता है तू बाप तो है नहीं। मैं कह देता हूँ तुम्हें, गलती हो गई शायद। ठीक है, तो अंधविश्वास यही होता है। पहले बैल जिसको लोग बाप बोलते हैं, वो पहले काम के रहते थे, जब खेतों में अपना काम करते थे तब बाप अपना कंट्रोल में रहता था। हमारा बाप कंट्रोल में रहता है, बच्चों को परेशान करता है, तो बैल आजकल ऐसे ही हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये मैं मजाक के लिए कह रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। वे क्यों घर जा चुके थे? तो वे क्यों घर जा चुके थे? तो कौन सा टाइप है? व्हाइट है, इंट्रोगेटिव का। तो क्यों का क्या होता है? व्हाइट, डब्ल्यू एस वाई, व्हाइट। हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे। तो व्हाई है दे, फिर उसके बाद गॉन होम। वेरी सिंपल।
समझ आया? क्लियर हुआ? यस सर। इसी को अभी पढ़ाया जाए पर डंडा मार के नहीं यार, चार डंडा हो गए फिर पांच डंडा हो गए, दो दिन पढ़ेंगे बच्चे, तीसरे दिन तो कहेंगे छोड़ यार पढ़ाई, टेंशन काम करें, इंग्लिश से टफ सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। किसी चीज को टफ बनाना हो बस बच्चों की पिटाई शुरू कर दो, बच्चे अपने आप बोलेंगे बहुत टफ सब्जेक्ट है, सीखते सीखते हाथ पूरा सुझा देंगे ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट टफ होते नहीं, उसको टफ बना दिया जाता है तनाव देकर। क्लियर हुआ? इसीलिए जो लोग पेरेंट बोलते हैं मेरे बच्चों को मारा करो, इसका मतलब पेरेंट बच्चों को बच्चा नहीं समझते, उसको समझते हैं गधा, कि मैंने गधा पैदा किया है, ये बिना मार के सुधरेगा है नहीं उनको बता देना है, वो मेरे को बच्चा मानता है तो मेरे को बच्चा मान, मेरे को अपना बेटा मान तो मेरे को गधा मानता है, जब गधा ही मानता था तो फिर आ जाइए यहाँ पे, पीटा तो गधे को जाता है, इंसान को पीटा जाता है उसे समझाया जाता है। क्लियर हुआ? इसीलिए जब कोई अपने बच्चे को मार रहा हो तो इसका मतलब ये मान लेना कि मारने वाला भी गधा है, पिटाई खाने वाला भी गधा है, ये गधा फैमिली है कौन सा फैमिली है? गधा फैमिली। भारत में ऐसे गधे फैमिलियों की कमी है नहीं, और वो बच्चे आगे चल के सुधरते हैं नहीं, वो फिर गधे मार खाते खाते महागधा बनते हैं, कौन से गधा? महागधा। फिर उन्हें वही आगे बच्चे चल के वही अच्छे लोफर निकलते हैं, फिर कहीं किसी की गाड़ी बेच देंगे, कहीं किसी को ऐसा पिस्तौल से मार देंगे, कहीं किसी का कुछ उठा लाएंगे, कहीं बच्चों को कैप्चर कर लेंगे, यही करते रहते हैं। गधे बन के पिटाई से डर लगता नहीं, सम्मान है, को गधा नहीं बनना है, इंसान बनना है, समझना है, वही है दे कौन हो। तो ये समझ में आया? यस सर। नहीं समझ पाए? आ गया सर। आ वे घर क्यों नहीं जा चुके थे, ये सेंटेंस है, अब मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो क्या हो जाएगा? वाई है फिर उसके बाद नॉट गॉन होम। अब क्वेश्चन मार्क, यहां भी क्वेश्चन मार्क कर लिख ले, इसमें कोई प्रॉब्लम? किसी भी तरीके की कोई समस्या? आगे बढ़े, ठीक है। मैं भी ये नहीं समझता, देखो वो पढ़ना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं भी ये नहीं समझता पुलिस की गाड़ी हॉर्न बजाते हुए आ रही है, चोर को पकड़ने आ रही है, चोर को भगाने आ रही है, अच्छा उसका एक रीजन और भी हो सकता है, मान लीजिए कोई किसी को पकड़ा हो, मारने जा रहा है, पुलिस की गाड़ी सुना, कम से कम छोड़ के तो भाग ले, उसकी जान तो बच जाएगी, ये भी हो सकता है कि नहीं? yes. पता चला पुलिस चुपके आ रही, इतने बेचारा मार के चला गया और दूर से बजाया 1 किलोमीटर से, चोर सकते मार गया, नहीं भागना है भागना, चल छोड़ दे छोड़ दे, कल मिलेंगे तेरे से, इतने पुलिस आ गई है ना, पुलिस हाँ अलर्ट कर देती है चोरों को, अब इलाका छोड़ के भाग जाओ नहीं तो मैं तुरंत पकड़ूंगा, तुरंत पिटाई करूंगा, इससे अच्छा है 1-2 घंटे 3 घंटे 2-4 दिन का रेस्ट ले लो, फिर मैं पकड़ता हूँ डायरेक्ट, यही तो होता है। क्लियर हुआ? आइए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम लग जाए तो क्या हो जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लग गया? टाइम, तो बन जाता है परफेक्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट बनाने के लिए क्या लगेगा? टाइम। मतलब इसको कुछ ऐसे आप समझ सकते हैं लाइक दिस, होली में आप सब रंग खेले बच्चों? नहीं रंग खेले कि नहीं? कितने लोग रंग खेले पूरा एकदम नहीं खेले? कोरोना था इससे डर गए? रंग खेले?
गुड। होली में यह सिस्टम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति रंग लगाने जा रहा है पहले पूछे कि भाई साहब रंग लगा दूं, बोले हाँ तो रंग लगाए और साथ में 10 रुपए का साबुन दे, भाई अपना चेहरा साफ कर लेना, ये होना चाहिए। अब लोग रंग लगा देते हैं, गए रंग लगा, भाई साफ भी तो करना है, पैसा कौन देगा, ला। ये सिस्टम होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? मैं अपने कॉलोनी में यही कर रहा था, जो सामने से आ रहा है बोले मार, वो बोले मैं आ रहा हूं तो मारो, दे दिया एक ध्यान रखिएगा। होली में ये सिस्टम होना चाहिए, रंग जितना रहे उससे ज्यादा आप एक हाथ में थैला टांगे रहे, साबुन उसमें ग्लास और कौन कौन सा रिम और कौन सा लाइफ बॉय और कौन सा होता है डेटॉल, हर प्रकार का साबुन रखा कि भाई रंग लगा दूं, बोलेगा ठीक मैं रंग तो लगवा लूंगा, पहले देखता हूँ साबुन तो किस किस क्वालिटी का रखा है, ठीक है ये वाला साबुन लूंगा रंग लगाने का, ठीक है ले ले तो अपना फिर रंग लगाओ फिर जाए, ये सिस्टम है। फिर लोगों को होली में सब रंग लगवाने के लिए भाई साबुन है तेरे पास, ठीक है मेरे को रंग लगा दी जरा साबुन ला। अच्छा तो होली में लोगों ने कितना साबुन इकट्ठा किया, होना भी यही चाहिए, होना चाहिए जिसको देखो बेचारा आराम से रंग लगा दी, कौन साफ करेगा भाई, शर्ट है कोई अच्छा शर्ट पहन के जा रहा फेंक दिए, मतलब जिसका अच्छा कपड़ा देखे अच्छा चेहरा देखे तुरंत उस पे रंग, उसके ऊपर तो जरूर है इसीलिए अब पुराना पहन लेगा, इसका मतलब होली का त्योहार जो लोग मनाते हैं वो अभी इतने समझदार हुए नहीं है, होली का त्योहार मनाते समय जो लोग रंग लगवाना चाहे उन्हीं को लगाना चाहिए, बाकी लोगों को रंग नहीं लगाना चाहिए, उनसे दूर से बोल दो भाई साहब होली आपको बहुत बहुत मुबारक हो, समझा है? अपने त्योहार को आपको अच्छा बनाना, आप अपने त्योहार को आतंकवादी बना देते हैं, होली आतंकी त्योहार हो गया, लोग डर जाते हैं, कुत्ता तक डर जाता है, देखिए छोड़ेगा नहीं या तो रंग डालेगा या तो पानी मार देगा, इससे अच्छा चल आज इलाका छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो नाली का पानी निकाल के ऐसे डाले, नाली का पानी मतलब निकाल के दुकान वाले का मुंह पे लेट दिए, तो सोचिए निकाल निकाल के, हाँ तो जहाँ पे ऐसे इंसान है, तो होली अगर ऐसे मनाई जा रही है तो इसे होली नहीं कहते, इसे कहते हैं होली में क्या कर रहे हैं, होली की बेइज्जती कर रहे हैं, ठीक है? तो लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग ऐसी होली मनाते हैं, ठीक है ना? होली त्योहार है, होली पे लोगों को सम्मान देना चाहिए, ठीक है ना? आइए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पढ़ना है, इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या होगी, had been, had been, had प्लस been, been लगता है यहाँ पे, ऐसे समझो, हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी, had, इसके साथ आता क्या है, been, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, कहीं भी कॉन्टिन्यूअस है, चाहे सिंपल कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की हो या फ्यूचर की, वो हमेशा हर जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म, ठीक है? बस यही दो चीजें हमें जानना है, आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। हाँ इससे पहले आइडेंटिटी देखो, हाँ बोलिए, आइडेंटिटी आपका क्या नाम है, आपका नाम भूल जाता हूँ, महक, मुस्कान, ठीक समझ नहीं पाता, लोग मुस्कुराते रहते हैं फिर मैं बोल जाता हूँ, मुस्कान कितना अच्छा नाम है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी है वाक्य के अंत में रहा था,
रही थी, रहे थे प्लस टाइम से, मतलब इसका नहीं है कि टाइम से, मतलब प्लस टाइम से टाइम है। जैसे वे दो दिन से चाय की दुकान पर घूस ले रहे थे, घूस ले रहे थे। आजकल यही तो है, चाय वाला घूस लेता है, चाय की दुकान पे घूस लेता है, तो डायरेक्ट कोई घूस नहीं लेता, बोलते देख वो मेरा चाय वाला है, उससे जाके बात कर। तो चाय वाला बोलता है ठीक तरह कौन सा काम कराना चाहिए, ठीक है वैसे कोई काम होता नहीं लेकिन फिर भी दे दे अपना जो, फिर चाय वाले की ताकत का अंदाजा देख रहे हैं। और एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री है, तो जो चाय वाला अच्छा काम करता है ईमानदारी से वो प्रधानमंत्री बन जाता है, और जो चाय वाला घूस लेता रहता है तो उसकी स्थिति खराब बन जाती है, काम नहीं हुआ तो कोई आएगा केतली फेंक के मारेगा, तो पैसा भी ले लिया घूस भी ले लिया काम भी नहीं कराया। तो अभी तेरे को बताते हैं, ग्लास भी फोड़ दिया, इधर फोड़ दिया, साइकिल से चाय चाय देने जाना, रात में कोई पकड़ के दो तीन लगा दे निकाल, पैसा नहीं तेरे पूरे चाय में लेके जाता हूँ 100 रुपए। इसीलिए ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है, मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ। तो आईएनजी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम से, वे दो दिन से चाय की दुकान पर घूस ले रहे थे। तो यहाँ पे जो घूस का मतलब ब्राइब होता है, ठीक है ना, ब्राइब का मतलब। तो वे दो दिन से चाय की दुकान पर घूस ले रहे थे, यहाँ देखिए रहा था, रही थी, रहे थे है, और प्लस क्या है टाइम, कितना टाइम है दो दिन से, समझ में कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें देखना है पहचान। देखिए एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आइडेंटिटी रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, मेन हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है और इसके साथ बीन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब के आएंगे, क्लियर हुआ यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? आइए आगे बेटा लिख लिया आपने, पढ़ाई अच्छे से करना है बच्चों, गरीबी को जड़ से मिटाने का सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, पढ़ाई। पढ़ाई के अलावा, शिक्षा के अलावा कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपकी गरीबी को मिटा सके, है कोई? जिन लोगों के पास दिमाग नहीं है वो कमाते हैं, शाम को आके पूरा दारू पी लेते हैं, पी के फिर बन जाते हैं थोड़ी देर के लिए राजा, शाम को धुलाई होती है तो सुबह महाराजा की तरह अस्पताल में मिलते हैं, डॉक्टर उनकी सेवा करते रहते हैं। लगभग जो शिक्षित लोग हैं वो अपना कुछ कमाए, पैसा बचा, कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किए और फिर उससे अपना रोजगार बढ़ाए, गरीबी करने लगती है। स्ट्रक्चर देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कितने टाइप, कौन कौन से? एस आर नो टाइप और वाई। आप इतना पढ़ लिए हैं, मोहल्ले में दो तीन बच्चों को पढ़ा देंगे, ट्यूशन फीस आपकी आराम से निकल आएगी, घर से मांगने की जरूरत नहीं है, बोल देना तेरा बच्चा है आ, तेरे को सिखाते हैं टेंस, मैं वहां पे ज्यादा पैसा देता हूँ तो मेरे को कम दे, पढ़ाएंगे लोग अपने बच्चे को, ठीक है। तो आपको अपना पैसा खुद निकालना सीख जाना है पढ़ा के, टाइम है तो ऐसा नहीं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग्स। अब यहाँ पे देखना
ऑब्जेक्ट प्लस टाइम से, और यहीं पे आता है सिंस या फॉर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ठीक है ना। सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर के बाद प्लस टाइम आता है, ठीक है ना। जैसे सिंस मंडे, ठीक है ना, फॉर टू डेज लाइक दिस, और प्लस अदर थिंग। आ रहा है समझ में? यस सर। इसे लिख लो जल्दी। फिर से मैं बता दे रहा हूं, पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, प्लस बीन, प्लस वर्ब की एंटी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस टाइम। जैसे सिंस मंडे या फॉर टू डे, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर थिंग। नेगेटिव में देखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट है, इसलिए ये नेगेटिव है, इसलिए नॉट का यूज, नॉट प्लस बी। समझना है, नेगेटिव में नॉट लगे तो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं हैड बी नॉट, नो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस अदर। लिख ले, यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पे देखो एस या नोट है, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिखता हूं। अब इंटरोगेटिव में हमें लिखना है एस आर नॉट आई वाई टाइप का स्टेटमेंट। सबसे पहले एस आर नॉट आई का स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है क्या? है प्लस क्या आएगा? पहली है, क्योंकि हम लिख रहे हैं एस आर नॉट आई का, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा? अगर नॉट है तो नॉट। अब इसके बाद सेकेंड हेल्पिंग वर्ब जो बीन है वो आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन और प्लस क्या जाएगा? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम प्लस अदर। क्वेश्चन, ये समझ में? यही अगर वाई टाइप होगा, इसे मैं यहां से लाऊं, अगर ये वाई टाइप है इसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एस आर नॉट टाइप। वाई टाइप है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस टी प्लस एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आया?
इसको इसका एग्जांपल बताया जाए। मिटाएं बता ही देते हैं, होली का दिन, होली के एक दिन बाद पढ़ लो, कुछ लोग होली में नींद में सो रहे होंगे, नहीं जाऊंगा पढ़ने, ऐसा होता है। आइए ध्यान से सेंटेंस लिखो, वहां दो दिन से पढ़ रहा था, वहां सोमवार से नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं जनवरी से खेल रहा था, मैं क्यों जनवरी से खेल रहा था, अंकिता क्यों सोमवार से नहीं पढ़ रही थी, क्या सत्यांकिता अभी नहीं मोहल्ले में, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तभी तो पहचानना है, मसाले का डिब्बा किचन में एक ही साथ रखा रहेगा तो फिर क्या फायदा, हर मसाला सामने ही है, सामने ना रहे घूम के सब्जी में मसाला डालना होता है तब उसे एक्सपर्ट मानते हैं, नमक का डिब्बा कहीं और, जिससे दूसरा कोई खाना बनाने आए उसे मिले ही ना, उसे कहते हैं किचन का मालिक ही किचन में खाना बना सकता है, कोई भी आया सब सामने रखा है बना के चला गया, कोई फायदा है। मेडिकल स्टोर में कस्टमर ही जाए जो दवा मांगे सामने दिखे अपना लेके चला गया, कोई फायदा है उसमें, कहां कहां रखे कहां से निकालता, अच्छा ये दवा ये वहां से वहां से, किसी नए को भेज दो पता ही ना चले दवा कहां रखी है, वो परेशान होगी वही दवा दे, भाई तेरे को दवा चाहिए ना ले जा उठा सामने है ले जा खा पता चला इंसान की दवा देनी थी भैंस की दवा खा के भाई सब भैंस की तरह अपना मुंह चला रहे हैं भैंस ओरिएंटेड पेशेंट, क्या सत्यांकिता मंगलवार से गीत गा रही है, गीत गा रही, गीत लिखो नहीं गा रही है, नहीं गा रही है की जगह थे लिखो बच्चों, क्योंकि ये कौन सा है पास्ट परफेक्ट, आ गया यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, देखो वह दो दिन से पढ़ रहा था तो ही हैड, जिसके ना समझ में तुरंत बोलिएगा, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया हुआ, ही हैड फिर इसके बाद बीन, अच्छा स्ट्रक्चर में मैंने हैड बीन लिखा था कि नहीं, एक बार मैच करिए जल्दी से, कहीं केवल हैड ही मैंने बताया, हैड बीन है ना, यस सर,
ही हैड बीन, पन्ना का रीड आईजी फॉर्म ही हैड बीन रीडिंग, फिर इसके बाद सेंस या फॉर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट है यहां पे सर नहीं है, तो रीडिंग दो दिन से, यहां दो दिन बताइए पीरियड ऑफ टाइम है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दो दिन से पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर हुआ, तो क्या आ जाएगा फॉर, फॉर टू डेज, लिख लिए क्या हो गया, घड़ी ज्यादा बोल रही है आजकल, पांच मिनट, यही अलार्म लगा कि कहाँ जाना है आपको, ठीक है कोई बात नहीं, जहां पे बोले भाई साहब यहाँ केवल पांच मिनट बैठ सकते हैं, यही अलार्म लगा के बैठ जाना है, फिर अगर एक घड़ी बोली वो तुरंत उठा के बाहर कर देगा, पांच मिनट हो तो गया, बेटा है चुना लिखे हो बोल देना, आई वह सोमवार से नहीं पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका, ही हैड नॉट बीन रीडिंग, अब सोमवार है कंफर्म होता है ना, वीक में वन टाइम आता है सोमवार, तो ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, तो सिंस मंडे, क्या जाएगा लिख लीजिए, आवाज बच्चों आप सब उसी स्पीड से चल रहे हैं जिस स्पीड से लोग होली में पानी फेंकते हैं, क्या मैं जनवरी से खेल रहा था, तो सबसे पहले हैड, क्योंकि ऐसा नो टाइप है तो हैड, इसके बाद आई, यहां पे देखिए नॉट तो है नहीं, तो हैड आई बीन प्लेइंग, हैड आई बीन प्लेइंग जनवरी, पॉइंट ऑफ टाइम की पीरियड ऑफ टाइम बताइए, जनवरी कितनी बार आता है एक साल बाद, पॉइंट ऑफ टाइम एक ही बार आता है एक साल में, तो प्लेइंग सिंस जनवरी, जे ए एन यू ए आर वाई, बेटा मैं क्यों जनवरी से खेल रहा था, क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि ये क्या है क्वेश्चन वर्ड, ये वाई टाइप है, तो वाई हैड आई बीन प्लेइंग, ई एल ए वाई एन प्लेइंग सेंस जनवरी, जनवरी क्वेश्चन आया नहीं आया समझ बच्चों, मिटाएं क्या वो मोहित लिख लिए नहीं, बोल अच्छे से मेहनत करनी है, और गली मोहल्ले में कोई भी अपने बच्चे को पीटता रहे तो क्या क्या समझना है कौन है वो, और जिसको पीटता रहे वो भी कौन है, और पीटने वाला भी कौन है, तो आगे चल के क्या बनेंगे दोनों, महागधा वो फैमिली एक प्रकार से महागधा फैमिली के रूप में आगे चल के स्वयं को रिप्रेजेंट करने वाली, क्योंकि इन दैट फैमिली They cannot have the talent. उसमें कभी टैलेंट नहीं आ सकता, मारने से बच्चों में टैलेंट आता है, जो रहता है वो भी टैलेंट चला जाता है, फिर बच्चों को ये दिखाओ इस सड़क पे चलना है
तो उसी पे चलेंगे, दाएं बाएं सोचेंगे ही नहीं। जैसे अंकिता क्यों सोमवार से नहीं पढ़ रही थी, यहां पे लिखे वाई है अंकिता नॉट बीन, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, रीडिंग, सेंस मंडे। व्हाई हैड अंकिता नॉट बीन रीडिंग सेंस मंडे। यहां तक समझ में आया, एनी प्रॉब्लम, आगे बताया जाए, मिटा दें, गुड। बच्चों आज आप सब ना आए होते तो नुकसान होता आपका कि नहीं होता, जबरदस्त नुकसान होता। इसीलिए क्लास कभी मिस नहीं करनी चाहिए। जो लोग नहीं है उनको पता भी नहीं चले कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है कि नहीं होता। क्या सत्यांकिता मंगलवार से, जानते तो होंगे, क्या सत्यांकिता मंगलवार से गीत गा रही थी? नहीं नहीं गा रही, नहीं है। अच्छा ठीक, ये यहाँ नहीं है भाई, ध्यान दे देना। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, नहीं पता चला, आप भी सो रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या सत्यांगिता मंगलवार से गीत नहीं गा रही थी, क्या है ये, रही थी, ठीक है ना। मान लो वीडियो में ही बोल दिया जाए कि भाई ध्यान से पढ़, तो शायद तू सो रहा है, तेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई सही में सो रहा होगा कहीं यार ये मेरे को कैसे जान लिया, जादू है क्या? अच्छा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं इसे मजाक में बोल रहा हूं। तो क्या सत्यांकिता मंगलवार से गीत नहीं गा रही थी? तो है सत्यांकिता Not be singing song। देखो singing ये वर्ब की एडजेक्टिव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद सिंसियर फॉर मंगलवार से, ये मंगलवार मतलब ट्यूजडे पॉइंट ऑफ टाइम है कि पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मंगलवार पूरे वीक में कितनी बार आएगा, वन टाइम। तो सिंस TUESDAY, और ये इंट्रोगेटिव, समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चों?